हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। ये एपिसोड 1 है हमारी एनिमल न्यूज का। पहली न्यूज, पेटा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इलीगल बर्ड किलिंग को रोकने के लिए बोला है। रिसेंटली महाराष्ट्र के एक पोल्ट्री फार्मर ने हजारों मुर्गियों को या हेंस है उनको जिंदा दबा दिया था, दफना दिया था, और उसका इस चीज के करने के पीछे ये रीजन था। उसने ये बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट के अंदर मीट और चिकन की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है, इस वजह से उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और वो उन मुर्गियों को रखने की कॉस्ट उसको मतलब महंगी पड़ रही थी, वो रख नहीं पा रहा था, इस वजह से उसने इन सबको जिंदा दफना दिया है। इसके अंदर इस चीज की सजा कितनी है, ये 5 साल की सजा हो सकती है। ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंदर आता है 1960 के अंदर, जिसमें 5 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकती है। दूसरी न्यूज, शिमला एमसीडी ने स्ट्रीट डॉग्स एडॉप्ट करने पे फ्री इंसेंटिव देने की बात करी है। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक फ्री प्रोग्राम के तहत ये बात कही है कि अगर आप स्ट्रीट डॉग्स एडॉप्ट करोगे तो हम आपको फ्री इंसेंटिव देंगे। फ्री इंसेंटिव में जैसे कि वो फ्री पार्किंग देंगे, और शिमला जैसे शहर के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फ्री पार्किंग एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद 155 डॉग्स एडॉप्ट हो चुके हैं अभी तक, और ये बहुत अच्छा स्टेप है डॉग्स के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तीसरी न्यूज, हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के डॉग्स को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने जो डॉग्स एज अ पेट रखे हुए हैं और या फिर ब्रीडरों ने रखे हुए हैं डॉग्स, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी कर दी है, और इस चीज को, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया है हर सिटी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और ये, और एक और साथ में ये कहा है कि आप अगर अपने डॉग को बाहर लेके जाते हो जो पेट डॉग है, तो उसको प्रॉपर लीश के साथ मतलब पूरा पट्टा वगैरह साथ में लगा के और तरीके से लेके जाना है, और उसके जो वेस्ट है अगर वो करता है बाहर, तो उसको खुद उठाना है और डिस्पोज करना है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। सरकार मतलब कि रिकॉर्ड रखना चाहती है कि अपने सिटीज में कितने डॉग्स लोग रखते हैं और उनको अच्छी तरीके से रखते हैं या नहीं रखते। चौथा पॉइंट, बेंगलोर एमसीडी ने कुछ डॉग ब्रीड्स की ओनरशिप के ऊपर बैन लगा दिया है। बेंगलोर एमसीडी ने ये स्टेप सिक्योरिटी के पर्पस के लिए उठाया है, क्योंकि कई डॉग ब्रीड्स जैसे कि जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डोबरमैन और कई हाउंड ब्रीड्स है, उनके ऊपर बैन लगा दिया है, उनके ओनरशिप के ऊपर। और अगर कोई ने रखना चाहता है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, और अगर आपने ये डॉग रख लिए हैं और इन्होंने किसी और बंदे के ऊपर अटैक करा या ज़्यादा ही डैमेज कर दिया, तो जो लीगल जो प्रोसेस होगा वो उसके ओनर के ऊपर होगा उसके बाद से। पाँचवीं न्यूज़, जो इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, एपीआई ने इंडिया को सी रैंक दी है। एपीआई एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, उसकी रैंकिंग ए से लेके जी तक होती है। जो ए रैंकिंग है वो ऑस्ट्रिया, स्वीडन और यूके को मिली है, यूके कंट्री को मिली है, और यूं कहा है कि इसी इन कंट्रीज़ के फुट स्टेप फॉलो करने हैं ताकि अपने इंडिया जो है ना, इसकी भी रैंक अच्छी हो, ए ग्रेड हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको सी रैंक मिली है, पर आगे हमने सुधार करने की ज़रूरत है।